हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स बाय 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1/4। इस एक्सरसाइज में सारे वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, हमको रूल क्या पता है कि वेरिएबल को एक जगह लेके दूसरे तरफ हमको नंबर्स को मतलब कांस्टेंट को लेके सॉल्व करना था। सेम टू सेम आप इधर भी ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ना एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके फिर उसको वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह वो भी आप कर सकते हो। पर हमको क्या करना है, ये हमको इजी लगता है कि वेरिएबल हम एक जगह कर देंगे, जैसे कि एक्स बाई टू एक वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन है और एक्स बाई थ्री भी है, तो ये हो गया वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन। तो नंबर कौन सा है, नंबर है 1/4 और ये जो माइनस 1/5 राइट को आ जाएगा तो प्लस 1/5 हो जाएगा। सेम बस हमको यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है, जैसे कि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। बस 2, 3 का एलसीएम क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 6 है। तो 6 को 2 में डिवाइड करेंगे जो कि 3 है और 3 को x में मल्टीप्लाई करके 3x माइनस माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे जो कि 2 रहेगा, 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x। और नेक्स्ट साइड पे सेम टू सेम हम एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम हमारा 20 है, 20 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 5 है, 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम 5 आता है, प्लस 20 को 5 में डिवाइड करेंगे 4 आता है, 4 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस 2x जो कि x है वो सॉरी यहाँ पर 6 आएगा और ये 5 प्लस 4 9/20। तो अभी ये एक देखो x/6 यहाँ पर डिवाइड होके है तो राइट पे हम ले जाएंगे, मतलब ये जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ इसको अभी हम डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो x रखेंगे क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू हमको चाहिए, तो x को रखेंगे 9, यहाँ पर डिवाइड पे है तो 9 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड 20 है कि नहीं। नेक्स्ट इसको ये करेंगे 54/20, इसको कट करेंगे 2 पे, 2 10 जा और 2 से कट करेंगे तो 27। तो आपका फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 27/10। आगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो इस क्वेश्चन में सारे फ्रैक्शन विथ वेरिएबल एक साइड पे हैं, तो हमको ट्रांसफर करने की कोई काम नहीं है, तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। और 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपको रफ में यहाँ पर करना है, अदरवाइज आपको अगर याद है आप वो भी लिख सकते हो। 2 1 जा 2 2 3, तो 2 1 1 3, नेक्स्ट 3 1 1 1, तो 4 3 जा 12, तो हमारा कितना आया एलसीएम 12। वही 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे जो कि 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 6n माइनस 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, तो 9n, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव है। ठीक है, आप प्लस माइनस साइन जो दोनों जहां पर रहेंगे तो वहां पर आपको ध्यान अच्छे से देना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्लस है तो डायरेक्टली प्लस पुट करना है, और 12 को 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 आने के बाद उसको 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10n है, और 21 को वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। अभी हमको क्या करना है, आंसर डायरेक्टली हम इधर को प्लस माइनस कर लेंगे। देखो 10n - 9n कितना रहेगा n, और वो भी प्लस साइन में, अगर प्लस साइन आया ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि 10 हमारा ग्रेटर देन 9 है, तो ग्रेटर देन का हमेशा जो नंबर बड़ा रहेगा उसी का साइन हम लगाएंगे, तो
तो n आ जाएगा प्लस साइन में, तो 6n प्लस n 7n हो जाएगा, तो 7n हम लिख देंगे इज इक्वल टू 21। इस 12 को हम मल्टीप्लाई यहां पर लेके कर देंगे क्योंकि लेफ्ट में वो डिवाइड पे था, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में n को हम निकालेंगे क्योंकि n हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो 21 को 12 को लिख देंगे, 7 को यहाँ पर डिवीजन पे ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई था, तो 7 को 21 पे कट करेंगे जो कि 3 है, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 3 36 जो कि आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5x बाय 2। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल दोनों साइड पे है, तो हमको क्या करना है, एक जगह वेरिएबल हमको लाना है तो, और एक जगह को कांस्टेंट ले आना है, तो हमको इजी हो जाता है। तो माइनस 8x बाय 3, और ये जो माइनस साइन पे है वेरिएबल और फ्रैक्शन, तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे जो कि माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट को, तो प्लस साइन में आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर राइट पे 17 बाय 6 रह जाएगा, और ये जो 7 है वो माइनस 7 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। 213 का एलसीएम 6, और 6 यहाँ पर होगा ये जाएगा, तो 1 है, 1 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6s हो जाएगा, और 3 के साथ सॉरी 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 8 कितना आएगा 16, और माइनस साइन रहेगा 16x हो जाएगा, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, 3 5 जा 15, वही तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट इस साइड को हमको अगेन एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये 6 6 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जो कि 17 हमको रखना है, और यहाँ पर कितना ये 1 है, तो 6 6 इंटू 7 42। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमको सॉल्व करना है, देखो माइनस 16x प्लस 6, अदरवाइज आप 6x और 16x ऐसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर करती हूँ क्योंकि ये माइनस x आएगा क्योंकि 16 15 से 1 ज्यादा है, तो माइनस x 6x माइनस x कितना है 5x, ये 5x बाय 6 रह जाएगा, और 42 को 7 को माइनस करेंगे 12 7 5 2, तो ये माइनस 25 आ जाएगा क्योंकि 42 हमारा ग्रेटर देन 17 है, तो माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट स्टेप 5x, ठीक है, तो पहले हमको 6 को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद वो अगले स्टेप में 5 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपको आंसर गलत नहीं होगा। 5x तो माइनस 25 बाय 6 को वैसे फर्स्ट लिख देंगे, और ये जो 6 डिवाइड पे है यहां पर जाके क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 6 है, ये डिवाइडेड में मतलब डिवाइड में है 6, सेम टू सेम अभी 6 तो 6 कट हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा माइनस 25 बाय 5, ठीक है, तो फाइनल एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 हमारा आंसर है, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।